विवाह हो या पार्टी, हर प्रकार के स्वर्ण आभूषणों की करें खरीदारी, मिलेगा सुख समृद्धि और आनंद। रूप अलंकार ज्वेलर्स के संग 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का एकमात्र संस्थान रूप अलंकार ज्वेलर्स, मेन रोड गढ़वा। बंशीधर नगर से चुनमुन की रिपोर्ट। प्रखंड समाजवादी नेता सह बिहार सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय गिरिवर पांडे के 13वीं पुण्यतिथि का आयोजन मंगलवार को पीडब्ल्यूडी डाक बंगला के निकट स्वर्गीय पांडे की प्रतिमा स्थल के निकट आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वर्गीय गिरिवर पांडे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। पुण्यतिथि समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि गिरिवर पांडे आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के दिलों में है। वे सादगी के प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने जीवन पर्यंत गरीबों, मजदूरों, दलितों, शोषित पीड़ित जनता के हक व अधिकार के लिए लड़ते रहे। मंत्री तत्वकाल में भी उनके विचार नहीं बदले। वक्ताओं ने कहा कि वे शोषित पीड़ित गरीब जनता की आवाज़ हमेशा बुलंद करते रहे। स्वर्गीय पांडे व्यक्ति नहीं, विचार थे। वक्ताओं ने कहा कि यदि आज वे जीवित होते तो भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर कुछ और ही होता। वे बेहद मिलनसार व सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलते थे। वक्ताओं ने कहा कि जरूरत है उनके आदर्शों को अपनाने की। वे हमेशा इस क्षेत्र की जनता के दिलों में बने रहेंगे। पुण्यतिथि समारोह को भाजपा के वरिष्ठ नेता अलकनाथ पांडे, IIM के अध्यक्ष डॉक्टर यासीन अंसारी, बलराम शुक्ल, मोबिन अंसारी, जगदीश पासवान, पृथ्वीनाथ तिवारी, बबन पासवान, अरुण पांडे, सुभाष मेहता, राजद के जिला त्रिपुरारी सिंह, लाल हेमेंद्र चौबे सहित अन्य ने संबोधित किया। समारोह में स्वर्गीय पांडे के बड़े पुत्र संजय कुमार पांडे, अभय कुमार पांडे, निर्भय पांडे, सुरेंद्र पांडे, सुदामा पांडे, कुर्बान अली, संजय तिवारी, छोटेलाल मेहता, मिथिलेश शुक्ल सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। समारोह की अध्यक्षता स्वर्गीय पांडे के पुत्र अभय कुमार पांडे ने किया, जबकि संचालन दयानंद पांडे ने किया।